बड़े आरोप लगा, बड़े आरोप लगा, लेकिन उनकी चली नहीं, आरोप नहीं है जी, सच्चाई बता रहे हैं आपको। अगर आप कभी भ्याणा साहब के पास जाओ, विधायक जी के पास, तो उनसे पूछ लेना ये बात। 3 दिन तक मौके के विधायक थे भ्याणा साहब, उन्होंने पूरा जोर लगाया कि राजेश कासनिया के घर सीएम साहब का प्रोग्राम ना हो। नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप है। आज जो है शहर में एक मामला बड़ा गरमा रहा है, मामला है पानी का, कि शहर में पानी खत्म हो रहा है, लेकिन गामा की तरफ कौन ध्यान देगा? उसती लेके जो है डाणी राजू के वोटर टैंक में पहुंचे हैं, क्योंकि पिछले कई दिन आते यो मामला काफी गरमा रहा था कि यो वोटर टैंक थी भी लगातार रूरक स्थानीय विधायक दावे कर आखिर भाई इतने करोड़ लगे है, इस पर हुए लगे है, कई चीज आती लेके जो है वोटर टैंक चर्चा में है। आज देखांगे शहर शहर का पानी खत्म हो गया कि खत्म पानी जो है गांव का भी हो गया, उसकी लेके जो है आपसे चर्चा करांगे आपके बीच में। हाजी मलिक साहब, राम राम। अरे राम राम भाई जी, मुकेश भाई कैसे हो आपके? मलिक साहब और ठीक हो? नमस्कार जी, नमस्कार, क्या चल रहा है? राज्यों में आपका स्वागत है जी। कुछ नहीं जी, भाई साहब गांव में से आए थे, घूम के शहर जा रहे हैं घर पे। और भाई जी फिर वो नुकाखर है, बोले दिन की दिन बरत आएगी, आप इसका खास मौके पाए हो, उरे रुके थे, और आपने भी जो है कष्ट करना पड़ेगा 5-7 मिनट, मोटरसाइकिल जो है साइड में लगा दो। चर्चा है शहर में पानी खत्म हो गया, लेकिन वह चर्चा कोई नहीं कर रहा, गांव का ही खत्म हो लिया। गांव के हालात चलो अपने अंदर गांव की डिग्गी दिखाओगे, पहले इसे खतर तो हम आए हाँ जी, पहले गांव मारे थे। हाँ। गांव में घर परिवार में कुणबत लोग मिले, वो पानी खतर तरसन लग रहे बेचारे। और विधायक जी नहीं रुके मारे, बोले हमने तो ढाणी में डिग्गी सी दे दी, डिग्गी सी दे दी। और बाकी ये देन विधायक जी की देन नहीं है मलिक साहब ये। हाँ। 2013 के अंदर हमारे विकास पुरुष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम थे मौके के। हाँ। और पूरे गांव की तरफ से हमने सीएम साहब को घर इन्विटेशन दिया था। हाँ। पूरा गांव का न्यूंदा था उसमें। हाँ। और हमारी 5 ढाणिया की एक के मांग दी थी हमने सीएम साहब ते कि मारे 5 ढाणिया में जी पीने का पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, और उस टाइम तक पानी की समस्या हमारे बहुत ज्यादा थी। यानी कि यह डिग्गी का सिर्फ डाणी राजू में पानी नहीं जाता, डाणी राजू में पानी नहीं जाता, जिसका 5 ढाणिया में पानी जावे, हर आधा प्रेमनगर तक भी जावा पानी इसका। अरे पांचों गांव और आधा प्रेमनगर बिल्कुल तंग हो रहा है पानी की वजह से। लोग बेचारे पानी से तरस रहे हैं, खाना बनाने खातर भी पानी नहीं आने लग रहा, उनका स्टोरेज करने लग रहे हैं पानी। आपने रास्ते पर देखा भी होगा, लोग आंदे जाते डिग्गी पे नलके पे अपने कैनी लेके पानी भर के ले आवे हैं। अच्छा विधायक जी ने जब तो ढिंडोरा पीट दिया। हाँ। भाई डिग्गी बनवा दिया हमने 5 ढाणिया की खुशहाल ढाणी। हाँ। विधायक जी को याद दिलाना चाहते हैं हम, 2013 के अंदर गांव ढाणी राज्यों के अंदर सीएम साहब जब आए थे, हमने मांग रखी थी कि हमारे पानी की डिग्गी की समस्या जी, हमारा पानी नहीं आता। हालांकि हमारे गाँव में सरकारी जमीन नहीं थी। हाँ। उस टाइम पे हमारे यूथ के आइकोन माननीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी रोहतक से सांसद थे, उन्होंने अपने सांसद के कोटे से पर्सनल पैसे दे करके प्राइवेट जमीन हमारे गांव में खरीदी थी, तब जाके ये डिग्गी बनाई उन्होंने। विधायक जी सरे लेते हैं कि डिग्गी मैंने बनवा दी। हाँ। विधायक जी से पूछियो आप, अगर मेरी बात अगर झूठ हो, विधायक जी को चैलेंज है। हाँ। विधायक जी ने तो जोर भी लाया था। हाँ। कि राजेश का स्नेह घर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना आवे, बड़े आरोप लगा, लेकिन उनकी चली नहीं, आरोप नहीं है जी, सच्चाई बता रहे हैं आपको। अगर आप कभी भ्याणा साहब के पास जाओ, विधायक जी के पास, तो उनसे पूछ लेना ये बात। 3 दिन तक मौके के विधायक थे भ्याणा साहब, उन्होंने पूरा जोर लगाया कि राजेश कासनिया के घर सीएम साहब का प्रोग्राम ना हो, लेकिन हम पानी की वजह से त्रस्त थे, सीएम साहब ने हमारी मांगे सुनी, और वहीं पूरा गांव इकट्ठा हुआ था उस दिन। पूरे गांव के आगे उन्होंने डिग्गी के कागज के ऊपर साइन करे और पास करे थी डिग्गी उस टाइम पे। सरेले के विधायक जी, यो तो इस चुनाव में भी एजेंडा था कि डाणिया खुशहाल बना दी पाचू, खुशहाल डाणी होंगी जी तो आशी तक यो इशार तक जीत दे। विधायक जी तो यह बात भी कहा, मैं एकला लड़ू था और कांग्रेस की पूरी टीम एक का नहीं थी। बीजेपी का एक के आदमी रह रहे भाई हाँसी में, गायत्री देवी है, नेहा धवन है, अशोक सैनी है, अशोक कनौजिया है, रिंकू सैनी है, पूर्व चेयरमैन है, पूर्व पार्षद है रिंकू सैनी जी, कई एमसी है, सरपंच है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सरे चाहिए। हाँ। नंबर बनाने में तो हाँसी का विधायक कदे तो नंबर 1 पे रहा है। विधायक तो नूबी को अब मैं चुनाव लड़ूंगा, यानी टिकट फाइनल है,
वो तो घराए लिखा बैठे आपकी टिकट 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 को नहीं, बीजेपी वाला का हाल देखा हुआ। अब ये तो सीएम कौन बख्श दे, ये तो विधायक हसी का मारा, इनने तो सीएम कौन छोड़े। जो छह छह योजना शिवराज सिंह चौहान वर्गे मध्य प्रदेश में छह बार सीएम रह लिए, उनको सीएम नहीं बनाया उन्होंने। और विधायक जी तो ये सोचे बैठे है कि भाई टिकट भी तने मिलेगी और विधायक भी तू बनाएगा। हसी की जनता मूर्ख नहीं है, विधायक जी को अब की बार वोट की चोट से जनता दिखाएगी कि हसी के लोग आपकी सरकार से और आपसे कितने खपा है और क्या क्या आपने किसानों के साथ किया है, युवाओं के साथ किया है, उसका बिल्कुल जोर आप 3 महीने बाद विधान लोकसभा के इलेक्शन में देख लिया आपने सर, विधानसभा के इलेक्शन में भी आपको देखने की मिल जाएगा जी इसके बारे में। बिल्कुल भाई, पहले एक बार कैमरामैन ने को अनुन्ने करके दिखा दे, तली में जरूर पानी बच रहा है। यो पानी पीने लायक भी कौन जी, तो लोग भरदे कौन इसने। और विधायक जी कने के पता भाई, उसने उद शुद्ध होंगी तो विधायक जी आए लेंदे काम में, कोई तो सांत्वना दे के जाते भाई पानी ले आवांगे, तारे कोई समस्या है कल आवांगे परसों आवांगे, 2 दिन में आओगे 3 दिन में आओगे, उन पर तो बात करवा लो, चुनाव आओगे जब वो दिखेंगे। ये 2 महीने पूरे जोर लाओगा विधायक जी पूरा जोर, और पाछे 5 साल वो किसी ने नहीं दिखा डे, डिप्टी पाछे काटेगा निरी कलोनी शहर में कब्जे कर करके निरे प्लाट काटेगा, रुपये कमाओगा और बैठेगा ना, यो एक काम है विधायक का। डिप्टी चेयरमैन ने आज शहर में जो है प्रदर्शन कराया कि शहर में पानी नहीं है, फिर मन लगा कि माँ भाई गांव की भी तो दिखाना चाहिए। बिल्कुल दिखानी चाहिए जी, शहर शहर से क्या होता है, गांव को भी तो जाकर के देखो विधायक जी, तो शहर शहर में बढ़ रहे हैं, शहर में तो इसलिए बढ़ रहे, शहर में तो उन्होंने कमाई चाहिए है, शहर में तो कॉलोनी इतनी काट रखी विधायक जी ने, उसकी कमाई खातर उन्हें शहर में रहना पड़ा, गाँव में लोग इसने किमें दिन देखो नहीं बेचारा ने जद करके गामा में कुनिया, लेकिन गांव के भी हाल देखो, बालक बेरोजगार भी हंड है गामा में, दिहाड़ी मजदूरी करते हंड है पढ़े लिखे बालक, और पानी खातर तो इतनी समस्या हुई थी जद भी इस पर कोनी मिट्टी और आगे भी इस पर कोनी मिट्टा, या भी हमें मिटांगे जी। 3 महीने का टेम और विधायक ने 3 महीने और आपकी मनमानी कर लियो, 11वें महीने में विधायक जी की यहाँ से छुट्टी कर देंगे जी। विधायक साहब टाटा, विधायक साहब टाटा बाय बाय। बात करूं कि फिर आप जो डाणी ता हो गांव कुकर चला रहे, गांव वाले गांव काम तो कुकर चला रहे हैं जी, नलके लग रहे हैं, लोग जाम है अपने कोई साइकिल बजा कोई बाइक बजा कैनी लेके अपने कैंपर लेके भर लिया हुआ है, वैसे कोई कैंपर वाला भी हमारा गांव में आवे है, 200-300 रुपया में कैंपर भी रखवा हुआ, न्यू काम चला रहे हैं जी। टैंकर भी ना कोई 800 रुपया का हो गया महंगा, टैंकर 800 रुपया का हो गया, टैंकर गिरवाया भी है लोगों ने गांव में। 5 डाणी है जी मारा एकला गांव को नहीं, 5 डाणी राजू, डाणी ठाकरिया, डाणी गुजरान, डाणी सागरी, डाणी पुरिया और आधा प्रेम नगर, आप 5 गांवों से पूछ लियो जाके। यो तो चलो ये बाप मैंने मिल गए, मैं तो आऊ था गांव में, आया हूँ जी मैं तो, इब्बी गांव में आया था, गांव में इब्बी भी आए चर्चा है कि मारा विधायक करे के है, मारा घर पीने तो पानी को नहीं और वोट चाहिए उसने, वो तो कलम लिखने लग रहे उड़े बैठे बैठे, टिकट भी मैंने मिल गई और विधायक भी मैं बन गया, और ये कांग्रेसी एक जगह बैठे रहेंगे, कांग्रेसी को नहीं, हंसी आम जनता किसान मजदूर इस विधायक ने इब की बार हंसी तो टाटा बाय बाय बोल दिया। चैलेंज आपको हिसार लोकसभा के लिए पहले आपके चैनल के ऊपर बोला था जी हम जीतेंगे, दावा करा था आपके ऊपर, वो दावा दोबारा दोहराऊं, अगले 3 महीने के बाद हसी का विधायक आपको हसी के अंदर नहीं दिखेगा, हसी की जनता ऐसी सबक सिखाएगी उसको कि उसके आगे वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, एक बार जमान जब्त हुई थी ना वही काम होगा, प्योर जमान जब्त होगी विधायक जी की हसी से। डाणिया में विधायक साहब अपने गढ़ बताओ, डाणी मेरी गढ़ है बहुत ज्यादा वोट है, वो तो मुंह कर थप्पड़ का थोड़ा ही बिचा है जी, 3 महीना भी इसने गढ़ का भी बेरा पट जाएगा और बिना गढ़ का भी बेरा पट जाएगा, डाणी क्यों कर रहूंगी और शहर क्यों कर रहा होगा गांव क्यों कर रहा होंगे, किसान मजदूर हर वर्ग इन तक कमजोर दर्द में है, इन तक सरकार ते और सरकार को वोट की चोट से इनको सबक सिखाएंगे जी हम तो। बिल्कुल भाई, अंत में जो है यह कहना चाहूंगा, चलो मैं आथर भाई साहब मिल गए और अच्छी बात है, ये जो है शहर तो तरसन लग रहा पानी ने, तरसन गांव भी लग रहे है, विधायक साहब ने काफी एजेंडा बना दिया था भाई, इसका राजनीति का लाभ उठा इसका खूब लेके कि 5 गांव डाणी जो खुशहाल कर दिया, हकीकत यह है। वोट मांगे लोकसभा इलेक्शन में भी डिग्गी का बहाना लेके, डिग्गी की देन मारी थी, आज विधायक जी ने चैलेंज करता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से, विधायक जी बताएं ये डिग्गी किसने पास करवाई थी और किसने बनवाई थी, डिग्गी के विरोध में था विधायक जी तो उस टाइम पे, बनवा के खुश नहीं था, हमारे घर गांव में लेने के लिए खुश नहीं था सीएम साहब को, सीएम मौके का सीएम किसी भी पार्टी का हो अगर किसी गांव में डाणी में जाता है तो वो सौगात दे के आता है, वो गांव वालों के ऊपर डिपेंड है कि उनकी समस्या क्या है। लेकिन विधायक साहब जुगर आपने आरोप लगाए गांव तो नाराज थोड़ी था, आपके नहीं आना चाहिए ये आरोप थे, मारे भी आया था जी वो तो विधायक, गांव तो नाराज तो इसलिए हो गया क्योंकि हम गांव की राजनीति कराते गैल की गैल, वो मारते ना खुश थे, अगर इनका गांव में आ गया, गांव में पानी चला गया तो राजेश का नाम हो जाएगा गांव में और तेरी दबदबा खत्म हो जाएगा,
हमने सिर्फ काम का मतलब है जी, हमने काम करके दिखाया है और यो जिंदा जागता सबूत है, ये पाचू की पाचू डाणी है, पाचू डाणिया में आप किसी भी आदमी ने जाके आप बात पूछ लियो, ये डिग्गी के ऊपर बनी थी। चलो भाई जी, तो डाणिया के जितने भी लोग इस वीडियो ने देखने लग रहे, कमेंट करके बताइयो पिछले कितने दिन तक जो आप पानी तरसन लग रहे हो, ना केवल डाणी बल्कि हांसी विधानसभा के लोग खुल के कमेंट करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बहुत बहुत धन्यवाद।